So friends, in today's video, I'm going to share with you three types of candle holders. I'm damn sure you will definitely like all these DIYs. If you like, then please hit the like button. So without any further delay, let's get into the video. So यहाँ मैंने एक खाली डब्बा लिया हुआ है और इसके आधे से भी कम हिस्से में कट कर लूँगी। तो ये दो हिस्से में बंट चुके हैं और अब इसके ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ सा लग रहा था, मतलब पूरा फ्लैट नहीं था। तो मैं इसको फ्लैट करने के लिए यहाँ पे मास्किंग टेप से इसको दबाते हुए यहाँ पे स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप से इसे अच्छे से चिपका लिया है और अब ये पूरी तरह से फ्लैट हो चुका है। अब एक कार्डबोर्ड के ऊपर इस बॉक्स को रखकर चारों तरफ से इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, अब इतने बड़े कार्डबोर्ड को छोड़कर एक कोने में जाट की हूँ मैं। कंजूसी का इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। अब इसको कट कर लेना है। अब कार्डबोर्ड के इस पीस पर चारों तरफ कुछ इस तरह से मार्क कर लेंगे। और अब चारों किनारों पर कट लगाते हुए उसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब इस कोने वाले हिस्से को मिलाते हुए मास्किंग टेप लगा लेंगे। चारों कोनों में मास्किंग टेप लग चुका है। अब इनको दबाते हुए कुछ इस तरह से मोड़ रही हूँ। अब जो बॉक्स हमने कट किया था उसके ऊपर इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद मास्किंग टेप से इसको फिक्स कर लेंगे। तो ये इसके ऊपर अब लग चुका है। इसी तरह से इस डब्बे के दूसरे वाले हिस्से में भी हम चिपका लेंगे। तो ये यहाँ पे लग चुका है और इसे स्टिक करने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। अब इन दोनों हिस्सों को इस तरह से मिलाते हुए चिपका लेना है और यहाँ पर भी ग्लू गन की हेल्प से मैंने इन दोनों को स्टिक कर लिया है। अब इसके ऊपर टिश्यू पेपर चिपका लेंगे और सेम वही पुराना तरीका जो ग्लू एंड वाटर मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे ये लग चुका है और अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अब जो बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कार्डबोर्ड कट किया था, सेम उसी साइज़ में और भी पीसेस रेडी कर लेंगे। यहाँ पे कुछ पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब इसके बीच में मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया है। इस तरह से सारे पीसेस में सर्कल करके उसे कट कर लेना है। फिर सारे पीसेस को आपस में स्टिक करके इस बॉक्स के ऊपर में उसे स्टिक कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर नहीं लगाया था, तो अब काम कंप्लीट होने के बाद उसे भी लगा लूँगी। फिर इसे भी पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब वॉल पुट्टी का एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेना है। टिश्यू पेपर लगाने के बाद ये बॉक्स पूरी तरह से सूख चुका है, तो अब इस पर हम ये पेस्ट को अप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये वॉल पुट्टी भी पूरी तरह से सूख चुका है। कितना अच्छा होता है ना, वीडियो में जल्दी जल्दी लगाओ तुरंत सूख भी जाता है। काश हकीकत में ऐसा हो पाता, पर वेट करना पड़ता हकीकत में। तो अब इसमें कलर करना है। वैसे तो ब्राउन कलर करना था पर मेरे पास नहीं था। हम मिक्स करके बना सकते थे पर मेरे पास बर्ड्स ये ना था, तो मैंने सोचा मैं उसी का यूज़ कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा कलर लग चुका है और अब इसे थोड़ा वुडन लुक देने के लिए मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। हाँ, ब्राउन कलर नहीं है मेरे पास, इसे मैंने रेड और ग्रीन मिक्स करके बनाया है, तो ये डार्क ब्राउन हो जाता है। रेड और ग्रीन मिक्स करने पर हमें डार्क ब्राउन कलर मिलता है। येलो एंड पर्पल मिक्स करेंगे तो थोड़ा लाइट ब्राउन होगा। इसी तरह ब्लू एंड ऑरेंज मिक्स करेंगे तो भी हमें ब्राउन कलर मिल जाएगा।
तो अब कंपास की हेल्प से इसके बीचों बीच सर्कल बना लेना है। इस तरह से 5 सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब पहले वाले हिस्से में मैंने यहाँ पे वी शेप कर लिया है। मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करना भूल गई थी। अब उसके ऊपर वाले हिस्से में ब्लैक कलर कर लेना है। यहाँ पे भी कैमरा ऑन करना भूल गई। अब इसके नीचे वाले हिस्से में छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना रही हूँ। तो ये यहाँ पे बन चुका है। अब इस ट्रायंगल वाले हिस्से को छोड़कर बाकी जो खाली भाग है उसको हमें कलर कर लेना है। और इसके लिए मैं यहाँ पे मार्कर और ब्लैक स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये हो चुका है। अब इसके ठीक नीचे सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ और उसके नीचे पूरा ब्लैक कर ली हूँ। और अब नीचे वाले हिस्से में भी कुछ डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच कर उसमें ट्रायंगल बना ले रही हूँ। अब उसके ऊपर गोल गोल बिंदी जैसी बना ले रही हूँ। वो बचपन में हमने पढ़ा था ना, मम्मी की बिंदी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। और अब ट्रायंगल्स पे भी ब्लैक कर लिया है मैंने। अब इसके डिज़ाइंस विजिबल नहीं हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे टॉर्च लाइट का यूज़ किया है। तो इस तरह से कुछ भी पैटर्न्स बनाकर इसे फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब इसका अमेजिंग रिजल्ट देखते हैं। हमारे सेकंड DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिया है फिर से एक छोटा सा बॉक्स। इसे भी इस तरह से कट कर लेना है। तो इसके भी अब दो हिस्से हो चुके हैं। इसे भी कार्डबोर्ड के ऊपर रख कर इसके मार्क कर लेंगे। अब इसके साइज़ में जो हमने कट किया है उतना बड़ा नहीं, उसे थोड़ा छोटा हमें साइज़ में चाहिए, क्योंकि इसको इसके अंदर डालना है इसलिए थोड़ा छोटा साइज़ चाहिए। और इस तरह से और भी पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। इस पे भी सर्कल करके कट कर लेना है। इसके सबसे नीचे भी एक कार्डबोर्ड से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। अब इसको इस तरह से इसके अंदर डालना है। डालने से पहले किनारों पर ग्लू अप्लाई कर लेना है। और इस तरह से मैंने दोनों पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब एक पेपर को हार्ट शेप में कट कर लेना है। देख रहे हैं, अब पेपर भी फटने वाला मिला है। समझ में नहीं आता है कभी कभी होता क्या है। बहुत ढूंढी, ये रूम वो रूम गई, सब कुछ दिखाई दे रहा है, कार्डबोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, पेपर ही नहीं मिल रहा है। और एक बार जब आप काम करने के लिए बैठो ना तो इधर उधर ढूंढने में टाइम वेस्ट हो रहा है जैसा लगता है। उसमें भी ना मिले तो और दिमाग ख़राब। अब उस हार्ट को इन दोनों के बीचों बीच रख कर उसे ट्रेस कर लेना है और फिर कट कर लेंगे। हार्ट का एक हिस्सा कट होने के बाद आगे से स्ट्रेट कट कर लेंगे। अब जो हार्ट का एक हिस्सा निकला था उसे नेक्स्ट पार्ट में रख कर उसे ट्रेस कर लेंगे। उसे भी कट करके निकाल लेंगे और अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अब बिल्कुल इसी तरीके से इस वाले हिस्से में भी हम कट कर लेंगे। अब एक थिक पेपर लेकर इसी के शेप एंड साइज़ में से कट कर लेंगे ताकि इस पर ये फिक्स हो जाए। अब ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर लेंगे। इसी तरह से इस वाले हिस्से को भी हम रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद इन पर टिश्यू पेपर स्टिक कर लेना है। वो ड्राई हो जाने के बाद फिर वॉल पुट्टी अप्लाई कर लेना है और इसे भी कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। तो ये पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अब कलरिंग करते हैं। बड़े वाले हिस्से पे मैं रेड कलर कर रही हूँ और छोटे वाले हिस्से पर वाइट कर ली हूँ। सो नाउ आवर क्यूट एंड रोमांटिक टी लाइट होल्डर इज रेडी। हमारे थर्ड DIY के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड के दो पीसेस लिए हैं। इनके ऊपर भी हार्ट शेप बना के उसे कट कर लेना है।
अब सबसे ऊपर, बीच में और सबसे नीचे में कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप में हमें कट कर लेना है। अब हार्ट शेप वाले टोटल चार पीस हमें मिले थे, तो दो दो करके उन्हें आपस में स्टिक कर लेना है और उसके चारों ओर टिश्यू पेपर स्टिक कर लेंगे। अब इसके भी अनइवन पार्ट को हाइड करने के लिए हमने टिश्यू पेपर स्टिक कर लिया है और अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब इन सारे पीसेस पे हम वॉल पुट्टी को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। और जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो सैंड पेपर से इसे स्मूथ कर लेंगे। तो अब हमारे सारे पीसेस आगे के प्रोसेस के लिए रेडी हैं। अब इन गैप्स को फिल करने के लिए कार्डबोर्ड से ही हम पीस रेडी कर लेंगे। अब मैं फिर से ब्राउन के बदले यहाँ पे बर्न सियाना यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, दिखाने के चक्कर में मैंने टेबल पर ही कलर गिरा दिया, ढक्कन खोल कर कहीं दिखाया जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? अब इस बर्न सियाना में थोड़ा सा मैं व्हाइट कलर मिक्स करके उसे लाइट कर ली हूँ और अब ड्राई ब्रश की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक दे रही हूँ। थोड़ा सा डार्क ब्राउन भी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अब इन पीसेस को इन गैप्स में फिक्स कर लेना है ग्लू के साथ। और अब जो हार्ट शेप हमने रेडी किया था उसे भी इस जगह पर तिरछा तिरछा करके स्टिक कर लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, आइए इसका रिजल्ट देखते हैं। तो आज के ये मेरे सारे DIYs आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।